देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज़ मिस्र की हमनिशिनी भी मिल गई। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ क्यों नहीं, भला अजीज़े मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है। वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? हाँ मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ जिनकी आप परस्तिश करते हैं, मुझे उसके मुतालिक बताइए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से, इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में ना पड़ जाए। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब, बताइए यूसुफ कहाँ है? यही है, यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। जनाब खुद पर काबू रखें, ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से, हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं।
क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हंसी? अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही? उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाब बिन्यामीन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजार सीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना, ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। शुक्र है उस खुदा अजीम और मेहरबान का, मैं खुदा का नहायत सिपास गुजार हूं। छत्तीस साल का तवील इंतजार नहायत सबर आजमा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अजियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पैके हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ मिस्र में, अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इकतदार को जवाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अर्सा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई है। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरी या गुना है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिजर फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुना रहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होने। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहां तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिजर के सबब को समझ रहा हूं। क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है। बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? हाँ
हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो रुक जाऊँगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पयामबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज़ मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रुकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिजर फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और यह तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी, तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गवाह देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और ज़िंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र ज़रूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज़ मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। अजीज़े मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र और बर्दबारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाजा सूर्या से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ बस इतना ही कहा, क्यों कुछ और भी कहना चाहिए था। खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ, लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। अजीज़े मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र और बर्दबारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाजा सूर्या से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ बस इतना ही कहा, क्यों कुछ और भी कहना चाहिए था। खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ, लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा लिया हो। कमरबंद यहाँ है। कनान के लोगों, तुमने देखा? मुझे चोर मतलब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई, लगता है तुम अहले कनान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कनान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है।
बेनियामिन को रोकने का कोई हल मिला? निगहबान जी, आली जनाब। मालिक और नेमी साहब को यहाँ बुलाकर लाओ। इतात आली जनाब। ये लो, फर्जंदान इस्राइल। सलाम। खुदावन का दुरूद। ठीक हो? खुश हो? खुदावन का दुरूद। तुम सलाम। मालूम नहीं कहानी है? चलो चलते हैं, रास्ते में सारा किस्सा बताते हैं। चलें। यूसुफ ने तो कहा था कि अब मुझे अपने पास रोक लेंगे, तो फिर क्या हुआ? कारवां तो चल पड़ा। शुक्र है खुदा, हम दोबारा भी खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। तमाम किनारी रुक जाएं, मैं कहता हूं रुक जाएं। के काफले में वो चोर मौजूद है। क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है जो आप हमें यूं चोर कह रहे हैं? आपके कारवा वालों में से कोई चोर है। अजीज मिस्र जनाब युजारसिफ का जाम जर्दी चोरी हो गया है। निहायत गिरा कीमत जाम था जो फरमाए रवाए मिस्र जनाब आखनातून ने उन्हें हदिया किया था। जिस किसी ने भी वो जाम उठाया है, अगर वो अस खुद जाम दे देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। मैं इस इनाम की जमानत देता हूँ। कहाँ वो पजीराई करम नवाजी और कहाँ ये तोहमत और बहतान? ये सब क्या है? कितने शर्म की बात है। खुदा की कसम, आप जानते हैं हम चोर नहीं हैं और ना ही चोरी के लिए यहाँ आए हैं। आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। माजरा क्या है और अब ये हमारे लिए कौन सी नई चाल है? हम बिला वजह तोहमत नहीं लगा रहे। अगर मसरू का माल किसी के पास बरामद हुआ तो फिर उस सूरत में सजा क्या होनी चाहिए? भला हम क्या जाने मिस्रियों का कानून क्या है? आप लोग अजीज मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, लिहाजा आपके अपने कानून के मुताबिक आपके साथ सुलूक किया जाएगा। हम किनानियों में अगर किसी के पास से मसरू का माल बरामद होता है तो वो 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। खूब, तो तलाशी शुरू करते हैं। मेरे सामान की पहले मेरे सामान की तलाशी लें आप।
माजरा क्या है? खुदा की कसम हम चोर नहीं है। अफसोस कि हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे। जरा मेरी मदद करो। रुक जाओ। बिन्यामीन जैसे मासूम चेहरे वाले शख्स के सामान से मसरू का माल बरामद नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तसल्ली कर लें आप। तलाशी लो। बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों, आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा है मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहां से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे।
अब हम बिन यामिन के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन यामिन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था, खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामिन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामिन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह है, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? हम सब ही अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद हुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर में बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते? या यूसुफ के कमरबंद वाले वाकये से बेखबर हो जो उसे चोर करार दे दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबर ज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे सौ दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं? वाकयन डूब मरने का मकाम है। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके ये चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दे। किस मुसीबत में फंस गए फर्जंदार इस्राइल के? हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे, अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे।